पीस सेंटोरिस पाकिस्तान का पहला 7-स्टार कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ लैंडमार्क इंडीड फॉर इस्लामाबाद एंड आई वुड लाइक टू कमेंड द एफर्ट्स एंड एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू अल तमीमी ग्रुप एंड एट द सेम टाइम वी कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक द पाक गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर jointly planning to invest a sum of almost $450 million in Pakistan over this project. We are very grateful for such kind of investment. I can imagine what a beautiful place it will be just about 3 or 3.5 years back. Whenever I go out at night, I do go, roam around and go for coffee or hot chocolate to these hotels. I am sure when this hotel comes up, I would love to come here and sit and have coffee or chocolate here. The Centaurus, Pakistan ka pehla 7-star complex hai, jisme 40 manzil ka ek 7-star hotel, 22 manzil ka office tower, 21 manzil ke do apartments towers aur 5 manzil ka mega shopping mall hoga. Isme ek 40 stories जो है होटल आ रहा है और दूसरा शॉपिंग मॉल और इसके साथ साथ एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है। सो ये तीनों चीज़ों का ये मजमुआ है, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जो डिज़ाइन है वो इस कदर खूबसूरत है कि इट विल बी लाइक आइकॉन बिल्डिंग फॉर द कंट्री, एक एक सिंबल बनेगा। और वो एटकिंस कंपनी जो दुनिया की मशहूर तरीन ब्रिटिश कंपनी है, जिसने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, बुर्ज अल अरब भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनाया है, सो उन्होंने ये डिज़ाइन किया है एंड इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग डिज़ाइन। ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है ये पाकिस्तान के लिए एक लैंडमार्क बनने जा रहा है। पहले तो ये है कि आर्किटेक्चरली ये बहुत साउंड और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, दुनिया की एक मशहूर कंपनी इसको डिज़ाइन कर रही है जो वर्ल्ड में एक अपनी एक रेपुटेशन रखती है और लैंडमार्क बिल्डिंग के लिए स्पेशली उसकी एक अपनी पहचान है। तो इसमें यह है कि ये मुख्तलिफ इस तरह भी है कि यहाँ पे पहली बार एक 7-स्टार होटल आ रहा है, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट शॉपिंग मॉल आ रहा है। तो ये चीज़ें चूँकि शॉपिंग मॉल पाकिस्तान में इससे पहले नहीं बने जो इनवर्ड ओरिएंटेड शॉपिंग मॉल हूँ या इस लेवल के होटल्स हों, तो इसके साथ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी हैं, कॉरपोरेट कम्प्लेक्स भी है। तो मैं समझता हूँ कि अपने आर्किटेक्चर में और स्ट्रक्चर में भी स्पेशली कि यहाँ इस्लामाबाद क्या कहीं भी पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो ज़ोन 4 के ऊपर डिज़ाइन हुई हो। द सेंटोरिस पाक गल्फ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, पाक गल्फ सऊदी अरब के दूसरे बड़े ग्रुप अल तमीमी और पाकिस्तान की मशहूर तामीराती कंपनी सरदार ग्रुप के इश्तराक से मार्ज वजूद में आया। इस ग्रुप ने 2005 में पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन प्लॉट खरीदा। ये प्लॉट 6 अरब 60 करोड़ रुपए में खरीदा गया। पाकिस्तान और इस्लामाबाद की तारीख में ये एक नए बाब की हैसियत रखता है, जो पाक गल्फ और अल तमीमी ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर एक कॉम्प्लेक्स बनाने का है। और ये एक नया आप समझें कॉन्सेप्ट है कम से कम पाकिस्तान के लिए। अच्छी मिसाल सामने आई है कि एक जॉइंट वेंचर पाक गल्फ ग्रुप एक बना है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक मल्टीपर्पज़ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ अपार्टमेंट्स भी हैं, होटल भी है, शॉपिंग मॉल्स भी हैं फुल फैसिलिटीज़ के साथ। ये तमीमी का जो ओवरऑल हमारे साथ जो ग्रुप है वो कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस, कैटरिंग, बिल्डिंग रेंट्स और वो एक मल्टी डिसिप्लिन में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो हमारे एसोसिएट्स हैं इनका कोई 28 कंपनियों का ग्रुप है जिसमें ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो उनका डिवीजन जो काम कर रहा है तो वो भी मल्टी डिसिप्लिन है और मुख्तलिफ शोबों में वो काम कर रहे हैं। आई एम श्योर इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी हेल्प एंड it is a secure investment and I'm sure others would also follow and invest in Islamabad and in particular the rest of the country. The Centaurus ka design duniya ki dusri badi designing firm WS Atkins ne banaya. Ye company isse pehle duniya ka pehla 7-star hotel Burj Al Arab, Dubai ka 21st century tower
और जुमीरा बीच रिजॉर्ट डिजाइन कर चुकी है। सेंटोरस में पाकिस्तान का पहला 7-स्टार होटल भी शामिल है। ये 40 मंजिल का डिलेक्स होटल होगा, जिसमें 1500 लोगों के लिए बॉल रूम, 4 बड़े रेस्टोरेंट, 1 बड़ा बिजनेस सेंटर और आउटडोर स्विमिंग पूल होगा। इस्लामाबाद इस वक्त इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग सिटी और इसमें होटल्स की कमी है, रहायशी जगहों की कमी है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ आ चुकी हैं, IT एंड अदर्स और यूनिवर्सिटीज़, और ये कन्वेंशन सिटी की तौर पे भी डेवलप हो रहा है, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स। तो इस कमी को पूरा करने में इस गल्फ के मंसूबे में सिर्फ होटल की रहायश ही नहीं बल्कि जो दूसरी रहायश है, जो अपार्टमेंट्स हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि एक मयारी अपार्टमेंट्स जो हैं उससे बहुत ये कमी में बेहतरी आएगी। जो 2 टावर्स हैं उसमें 320 फ्लैट्स हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त रिहायशी मकानों की कमी है और ये उस कमी को थोड़ी हद तक दूर करेंगे। साथ ही बहुत सारे कंपनियां जो हैं, इंटरनेशनल कंपनियां, इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने मकान किराए पे लिए हुए हैं और ये जब दफ्तर बन जाएगा, टावर बन जाएगा, इसमें 1 या 2 बड़ी कंपनियां मुंतकिल हो सकती हैं, उनको अच्छे दफातर मिल जाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। दी सेंटोरस में पाकिस्तान का पहला शॉपिंग मॉल तामीर होगा। 5 मंजिल के इस शॉपिंग मॉल में दुनिया के नामवर ब्रांड्स और ग्रुप्स के शोरूम्स होंगे। इसमें ज्वेलरी, फास्ट फूड्स, गारमेंट्स और स्पोर्ट्स वेयर्स की बैन अल्कवामी कंपनियों के शॉपिंग सेंटर्स होंगे। इसमें आलमी सतह का सिनेमा हॉल भी होगा, जिसमें हॉलीवुड की नई फिल्में दिखाई जाएंगी। जो इसका आखिरी 5वां जो इसका फ्लोर है सेंटोरस शॉपिंग मॉल का, उसको पूरे का पूरा फूड कोर्ट, सिनेमाज और चिल्ड्रन प्ले एरिया दिया गया है कि जिसमें जो लोग बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, उनको यानी एक छत के नीचे इसमें वो तमाम सहूलतें रखी गई हैं कि जो एक फैमिली कंफर्टेबली वो अगर घर से शॉपिंग के लिए आते हैं तो उनको किसी दूसरी चीज़ के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। ज़िंदगी के हर शोबे की जिस तरह की वो शॉपिंग करना चाहें वो इसी शॉपिंग मॉल में करें, वो खाना खाना चाहें, वो एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर तरह की सहूलतें हमने इसमें रखी हैं।